Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel for another recipe. आज की रेसिपी है नमकीन गोश्त. गोश्त? जो कि बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाता है. इस रेसिपी को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन खाने में ये बहुत टेस्टी होती है. सो लेट्स स्टार्ट अ रेसिपी. तो सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल. आप घी भी यूज कर सकते हैं. ऑयल ऐड करने के बाद इसमें जाएगा 1/2 kg मटन. मटन का कलर चेंज होने तक इसको फ्राई कर लेंगे. आप देख सकते हैं कि मटन का कलर चेंज हो चुका है. अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज. ये 1 अदद प्याज है जिसको मैंने काट कर इसका पेस्ट बना लिया है. ये जाएगी इसके अंदर. प्याज ऐड करने के बाद 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे. अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने यहाँ ऐड कर दिया था, लेकिन उसका क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं हुआ क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करना ही भूल गई थी. प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको 2 मिनट तक हम भूनेंगे. 2 मिनट भूनने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस. तो स्पाइसेस में सबसे पहले हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून काली मिर्च पीसी हुई. 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे नमक और साथ ही इसके ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा. जीरा ऐड करने के बाद अच्छी तरह से स्पाइसेस को इसमें मिक्स कर देंगे और इसको 2 मिनट तक भून लेंगे. अब इसमें ऐड कर देंगे 2 टीस्पून विनेगर यानी सिरका, ताकि जो मटन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए. अब इसमें ऐड करेंगे 3 ग्लास पानी या इतना पानी कि तमाम अज्जा पानी में अच्छी तरह से कवर हो जाए. और पानी ऐड करने के बाद इसको हम लो फ्लेम पर 1 घंटे और 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे. अब इसको कवर कर देंगे और 1 घंटा और 15 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे. 1 घंटा और 15 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से गल चुका है. अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और हरी मिर्चें और धनिया डालकर इसको डिश आउट कर लेंगे. नमकीन गोश्त को मैंने कर लिया है डिश आउट. ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है और इंशाल्लाह खाने में भी बहुत ही टेस्टी होगा. मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं अगली रेसिपी में. अल्लाह हाफिज़.